बताओ कि हमारी ग्रोथ कैसे होती है, हम बड़े कैसे होते हैं। तो आप लोग सब लोग बोलोगे अरे हम खाना खाते हैं इसलिए हम बड़े होते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन खाने में ऐसी कौन सी चीज होती है, ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट होता है जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है? तो वो क्या होता है? वो होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन की वजह से ही तो हमारी ग्रोथ होती है, तभी तो सब लोग बच्चों को कहते हैं ज्यादा प्रोटीन खाओ जिससे ज्यादा लंबाई बढ़े, ग्रोथ हो, है ना। तो अब ये प्रोटीन किस चीज से बना होता है? तो ये जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से बना होता है। ये आप अपनी आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक। और अब ये अमीनो एसिड्स किससे बने होते हैं, मतलब इसको बनाने में किसकी जरूरत होती है? तो इसको बनाने में नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो आप सोचोगे मैं ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ? ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि हमारी बॉडी को जैसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है वैसे ही नाइट्रोजन की भी बहुत जरूरत होती है ना। तो आप समझ गए कि आज का हमारा क्या टॉपिक है? तो आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल, जिसके बारे में आज मैं बताऊंगी, ठीक। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती कितनी है। तो ये भी आपको सबको पता ही होगा कि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है। और कितनी होती है? ये होती है 78% होती है ना, 78% नाइट्रोजन। तो 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है। और जो अदर गैसेस होती है जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर इनर्ट गैसेस जो होती है वो कितनी होती है? वो 1% होती है। तो इससे भी क्या पता चला कि सबसे ज्यादा जो एटमॉस्फेयर में गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। और लेकिन इतनी ज्यादा अमाउंट में ये होती है इसके बाद भी हम इसे डायरेक्टली नहीं ले सकते, एटमॉस्फेयर से हम डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, ना हम ले सकते, ना प्लांट्स ले सकते, ना अदर एनिमल्स ले सकते। तो अब क्या करें? और जरूरत तो है, हमें भी है और प्लांट्स को भी जरूरत है, क्योंकि प्लांट्स की भी ग्रोथ होती है ना। और प्लांट्स में क्लोरोफिल में और बाकी सारी चीज़ों में नाइट्रोजन की जरूरत होती है, जैसे न्यूक्लिक एसिड के लिए जरूरत होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो अब हम क्या करें, अब कैसे मिलेगी ये नाइट्रोजन? तो इसको समझने के लिए हम समझेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, ठीक। तो अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, जिसको मैंने अभी बताया 78%, है ना। अब ये नाइट्रोजन क्या होता है कि ये या तो लाइटनिंग के थ्रू और या तो हमारे सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्या कहते हैं इन्हें? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो अभी हम पहले समझते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, ठीक। तो अभी कभी आपने अपने पहली क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्लास सेवेंथ में, सिक्स में, कि लेग्यूमिनस फैमिली, लेग्यूमिनस फैमिली के बारे में पढ़ा है। कौन से है? जैसे बीन्स, पीस, ये सारे क्या है, जितनी सारी दालें होती हैं वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है? वो लेग्यूमिनस फैमिली को बिलोंग करती है। और उसमें क्या स्पेशल उनका कैरेक्टर होता है? उनका स्पेशल कैरेक्टर ये होता है कि उनके रूट में, है ना, उनके रूट में ऐसे नोड्यूल्स होते हैं। जैसे अगर मान लो ये रूट्स हैं उनकी, तो उसमें ऐसे ऐसे नोड्यूल्स, मतलब ऐसे ऐसे गांठें जैसी दिखेंगी, ठीक, लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट में। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड में। आइए समझते हैं कि क्या होता है। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या होते हैं? अब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, इस पे नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया इस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने। अब ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, अब इसको प्लांट जो है वो आराम से ले सकता है, मतलब वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जो गैसीज नाइट्रोजन है उसे वो आराम से नहीं, वो उसे नहीं ले सकता था। लेकिन जब बैक्टीरिया ने इसको कन्वर्ट कर दिया, राइजोबियम बैक्टीरिया ने जब इसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजनस कंपाउंड में, तब ये जो प्लांट थे उन्होंने आराम से उसको सॉइल से ले लिया, ठीक। तो कितने इंपॉर्टेंट है ये बैक्टीरिया हमारे लिए, है ना। लेकिन अब ये तो मैंने बताई लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट्स के बारे में कि उनके रूट में ऐसे नोड्यूल्स होते थे तो वो उससे उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते थे तो वो ले लेते थे, है ना। वो क्या करते थे? नाइट्रोजन गैस लेते थे और उसको कन्वर्ट कर देते थे नाइट्रोजनस कंपाउंड में। लेकिन अब उन प्लांट्स के बारे में क्या, जो लेग्यूमिनस फैमिली के नहीं है या जिनके रूट में नोड्यूल्स नहीं है, है ना, और जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया भी नहीं है, तो उनका क्या? तो वो
प्लांट भी, वो प्लांट उन प्लांट्स में भी क्या होता है, उन प्लांट्स में भी जो सॉइल में अदर और बैक्टीरिया होते हैं ठीक, जिन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं, वो और ब्लू ग्रीन एल्गी सॉइल में होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देते हैं, तो वो प्लांट भी उसको ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन से हुए, एक तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि लेग्यूमिनस फैमिली में, और बहुत सारे और भी बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये सारे क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में, और इससे जो प्लांट होते हैं वो उसको ले लेते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड को, जैसे अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, ये तो मैंने अभी बताया ठीक है। तो यही यहाँ पे आप समझो, देखो ये दिया ना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसको किसने लिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यही इसमें है। आ रही बात समझ में? अब क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने जब इसको नाइट्रोजन को ले लिया, और उसके बाद उसको क्या किया, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। फिर ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देते हैं ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात, ये हो गए कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब ये जो कंपाउंड्स है इसको कौन ले लेते हैं, उसको ले लेते हैं प्लांट्स। अभी यहाँ पे हमने लाइटनिंग की बात नहीं की है ना, तो कभी आपने देखा है ना कि जब बारिश का सीजन होता है या बहुत ज्यादा तूफान जैसा आता है या बहुत ऐसा मौसम हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, उसमें बिजली कड़कती है ना, लाइटनिंग जिसे कहते हैं, बहुत तेज से बिजली चमकती है। तो उस समय क्या होता है, उस समय वो उस लाइटनिंग की वजह से भी जो नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेरिक की नाइट्रोजन होती है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है इसको प्लांट्स ले लेते हैं। तो ये दो प्रोसेस हो गए, एक तो हो गया लाइटनिंग का और दूसरा क्या हो गया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ठीक है। अब ये जो कंपाउंड्स है इसको किसने लिया, प्लांट ने। प्लांट ने लिया जिससे उसकी ग्रोथ भी हो रही है और उसकी सारी जो भी एक्टिविटी है वो सभी सारी हो रही है क्योंकि नाइट्रोजन मिल गई। अब इस नाइट्रोजन को कौन लेगा, अब क्योंकि ये प्लांट को कौन खाते हैं, एनिमल्स, मतलब हम किस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं है ना। तो हम अब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड यहां से प्लांट से कहां गए, एनिमल्स में गए। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये जो एनिमल्स हैं ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट निकालेंगे, एक्सक्रीट करेंगे है ना। तो जब वो वेस्ट प्रोडक्ट निकालेंगे, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, एक तो वो वेस्ट निकला जो उन्होंने एक्सक्रीट किया, और दूसरा जब उनकी डेथ होती है, मतलब जब वो मर जाते हैं तो उसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है ना, ये तो पढ़ा है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं डेड बॉडीज को, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जो किससे निकला, इसके वेस्ट प्रोडक्ट जो एक्सक्रीट किया, और दूसरा उनकी डेथ से है ना। तो उसको क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर, जो मैंने बताया था कुछ बैक्टीरिया और होते हैं, वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उस नाइट्रोजनस कंपाउंड को फिर कौन ले लेते हैं, फिर वापस प्लांट ले लेते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें वापस जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करते हैं और इसके बाद वापस प्लांट ले लेते हैं, वापस एनिमल ले लेते हैं, अगर ऐसे ही होता रहा तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, कि सारी एटमॉस्फेयर की जो सारी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसे किसने फिक्स कर लिया, बैक्टीरिया ने फिक्स कर लिया, और उसके बाद उसको प्लांट ने ले लिया, फिर एनिमल ने ले लिया, वापस यही हो रहा है। तो इससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जो है वो खत्म हो जाएगी है ना, ऐसा होगा ना। तो फिर कैसे क्या होगा इसके आगे, तो अब इसके आगे मैं बताती हूँ। अब इसमें क्या होता है, सॉइल में कुछ और बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, अब ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ना, ये जिससे ये नाइट्रोजन कंपाउंड बनते हैं, अब इनको वो क्या करता है, जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो उसको क्या करते हैं, उसको वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक। तो इससे क्या होता है कि जो कुछ नाइट्रोजन होती है वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। अब समझ में आई कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन क्यों नहीं कम होती है, क्योंकि जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ये इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड को वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम डीनाइट्रीफिकेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, डीनाइट्रीफिकेशन
तो ये क्या हुई, एक पूरी साइकिल बन गई। आगे ना समझने कि पहले एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन क्या होती है, जिसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स करते हैं, मतलब उसे नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कौन से होते हैं, वो लेग्यूमिनस फैमिली में अगर है, लेग्यूमिनस फैमिली का प्लांट है तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया होंगे, और नहीं है तो और जो अदर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं सॉइल में, है ना, जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं, वो क्या करेंगे, नाइट्रोजनस गैस को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे, और वो नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या होगा, उसे प्लांट ले लेंगे। उसे जब प्लांट ले लिया, प्लांट के बाद उसे एनिमल खाएगा, तो एनिमल ले लेंगे, तो एनिमल ले लेंगे, तो ये नाइट्रोजनस कंपाउंड एनिमल में चले गए। अब जब इन एनिमल का जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, जो नाइट्रोजनस वेस्ट उनको जो एक्सक्रीट करेंगे वो, या उनकी डेथ के बाद जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा उसे वापस बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो सॉइल में बैक्टीरिया है वो उसे वापस नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे, और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या होगा, वापस प्लांट ले लेंगे। ठीक, और कुछ बैक्टीरिया जो और अदर बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, ये क्या करेंगे, ये इस नाइट्रोजनस कंपाउंड को वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, कौन सा प्रोसेस कहते हैं, जिसे हम कहते हैं डीनाइट्रीफिकेशन। तो इस तरीके से एटमोस्फियर में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो कॉन्स्टेंट बनी रहती है, मतलब कम नहीं होती। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे नाइट्रोजन साइकिल। तो अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में और डीनाइट्रीफिकेशन के बारे में, सबके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझा दिया। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, है ना, और क्या करोगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करोगे और बेल बटन दबाओगे, जिससे आपको मेरे सारे एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे जिससे और बच्चे भी देख सकें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।